हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, बिकॉज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे लिए क्या क्या पार्सल आया है झारखंड से। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से इस पार्सल का वेट कर रही थी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं ये पार्सल मेरे घर से आया है, सो ये और भी ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। सो जो सबसे पहली चीज़ है वो है ये एक ब्यूटीफुल सा दिया है। एक्चुअली जब मेरी मम्मी ये सारे चीज़ें खरीदी थी तब काली पूजा का टाइम था, दिवाली का टाइम था। सो उन्होंने मेरे लिए दिया खरीदा था और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। सो फर्स्ट है ये। सेकंड जो चीज़ है वो है एक अगरबत्ती देने वाला जो होता है वो है ये धूपूची जिसे बोलते हैं। सो नेक्स्ट है ये दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आया है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो ये हो गए। नेक्स्ट जो है वो है एक ईयरिंग जो कि है कुछ इस तरह से, फोकस, जी हाँ, जो कि है कुछ इस तरह से, पूरा स्टोन का ईयरिंग है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं जरूर किसी वीडियो में ये पहनूंगी, तब आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है ये मेरे ऊपर। सो नेक्स्ट है ये। नेक्स्ट है कुछ क्लेचर और क्लिप्स, ये हैं। नेक्स्ट है एक चोकर जो कि है ये ब्लैक कलर का है और फ्रंट में इसका इस तरह स्टोन है। सो जब मैं इसे पहनूंगी किसी वीडियो में तो फिर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है और इयररिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा मुझे, बिल्कुल छोटू सा है, इसे पकड़ लूँ पहले अच्छे से। सो नेक्स्ट है ये बहुत मुझे क्यूट लगा। सो ये है नेक्स्ट। नेक्स्ट है और एक ईयरिंग जो कि है ये भी काफ़ी छोटू सा है। सो ये है इस तरह से, नेक्स्ट है बैंगल्स और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सी इसमें गोल्डन कलर के स्टोन लगे हुए हैं पूरे बैंगल्स में और ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये है नेक्स्ट। नेक्स्ट है दो बिंदी, सो ये है नेक्स्ट। फिर है बहुत सारे स्नैक्स। सो हमारे वहाँ क्या क्या होता है, काली पूजा यानी कि दिवाली के टाइम बहुत सारे स्नैक्स बनाए जाते हैं, लड्डू, मतलब ये सारी चीज़ें बनाए जाते हैं। सो वो भेजे हैं, सो मैं दिखा दी हूँ। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ये पार्सल जस्ट मुझे मिला और मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, टॉप चेंज किया और मैं बैठ गई वीडियो बनाने के लिए। वैसे मैं जब इंसान सो जाता है उस टाइम पे वीडियो बनाती हूँ, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है कि कब इंसान सोएगा, कब मैं वीडियो बनाऊँगी। नहीं, मैं बिल्कुल भी मैं वेट नहीं कर सकती। सो जैसे का तैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये है कुछ स्नैक्स, जो कि मेरी नानी मेरे लिए भेजी है, बिकॉज वो बनाती हैं दिवाली के टाइम ये सब। सो वो मेरे लिए भेजी है। नेक्स्ट है और कुछ स्नैक्स, यहाँ पे एक्चुअली ये सब नहीं मिलता है और इसीलिए झारखंड से जब भी कोई आते हैं तब भी मेरी मदर इन लॉ या फिर मेरी माँ या फिर मेरी नानी कोई भी हो ये सारे स्नैक्स मेरे लिए भेज देते हैं। सो नेक्स्ट है ये भी एक स्नैक्स है। नेक्स्ट है ये भी एक स्नैक्स है। हाँ, नेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट बोलते बोलते थक जाऊंगी, लेकिन ये सारी इतनी चीज़ें हैं कि। सो ये भी स्नैक्स है, ये हमने आते ही खोल दिया और थोड़ा सा हमें खाए, थोड़े से मैंने डब्बे में स्टोर कर दिया सभी। मुझे नहीं लगा था कि मैं वेट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मैं सिर्फ ये स्नैक्स जो है मैंने खोले और खोल के थोड़ा सा एक कंटेनर में जितना हो सका था उसी में डाले और फिर मुझे लगा कि नहीं वीडियो बना लेना चाहिए, तो बस मैं वेट ही नहीं कर पाऊँगी अब। सो मैंने जैसे का तैसा
वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। सो नेक्स्ट जो है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है और वो है स्वीट्स। सो वो है ये मेरी मदर इन लॉ भेजी है मेरे लिए और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट है ये भी एक स्नैक्स है जो कि मेरी नानी बनाई है या फिर मेरी माँ बनाई है मुझे नहीं पता। सो ये थोड़ा सा टूट गया है बिकॉज ट्रेन में अमित के जो दादी हैं वो लेके आई हैं, सो इसीलिए ये टूट गया है। बट कोई नहीं, टेस्ट तो इसका कहीं नहीं जाने वाला, इसका टेस्ट वैसा का वैसा ही। सो ये है, ये गुड़ से बनाया जाता है। सो नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट और स्नैक्स हैं जो कि है गुड़ के लड्डू जो कि मुझे बहुत पसंद है और ये मुझे आया है लाइक इतना सारा मुझे ये आया है। और अभी स्नैक्स ख़त्म हो चुके हैं, बैकग्राउंड में आपको ईशान की आवाज़ आ सकती है बिकॉज अभी वो अपनी मासी के साथ खेल रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। सो नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है ये ईशान का है, ईशान के लिए मम्मी ने भेजा है ये कॉट सूल यानी कि विंटर में पहनने के लिए, ये ईशान की नानी ईशान के लिए भेजे हैं, उसके साथ है ये पैंट। सो ये है ईशान का। और आज जो मैंने टॉप पहना है वो भी मेरी मम्मी ने भेजी है, तो मैं सबको दिखा दूँ वो है इस तरह से। सो जब मैं इसे पहनूंगी तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगी अगर मैं इसे ब्लॉग में इसे पहनती हूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट में सो नेक्स्ट है और एक टॉप नहीं एक टी शर्ट है, सो वो है ये और ये रिया का है। सो ये है नेवी ब्लू कलर में और ये लॉन्ग टी शर्ट है। नेक्स्ट है और एक टॉप जो कि है इस तरह से और इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट है इस तरह का एक पैंट, ये भी अगेन रिया का है। नेक्स्ट है अमित के लिए एक टी शर्ट जो कि है ये ऑफ वाइट कलर है और ये है अमित का। ओके सो ये सारी चीज़ें जो कि है मुझे झारखंड से आया है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सो बस ये थी मेरी आज की वीडियो और बाकी जो ज्वेलरी जो है लाइक ईयरिंग वगैरह वो मैं जब पहनूंगी तब मैं आपको दिखा दूंगी कि मुझ पर कैसा लग रहा है। आप भी कमेंट कीजिएगा कि आपको इन सारी चीज़ों में से क्या अच्छा लगा, ज्वेलरी या फिर क्लॉथिंग आइटम या फिर स्नैक्स। सो मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ इसलिए मुझे स्नैक्स लाइक बहुत अच्छी लगी बहुत ज़्यादा। सो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं इस वीडियो में लाइक कमेंट शेयर कुछ भी नहीं बोलूँगी बिकॉज बस ये मेरा एक खुशी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। और कमेंट जरूर करना कि आपको इन सब में से क्या अच्छा लगा। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको करनी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जल्द ही आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ आने वाला है और वो मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ बिकॉज मैं उस माइलस्टोन को हिट करने ही वाली हूँ। सो बाय, लव यू। और जो लास्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए भी, ईशान के लिए भी और ईशान का सबसे ज़्यादा फेवरेट जो कि मैं अपने हर एक ब्लॉग में आपको बताती हूँ वो है काव। तो ये है ईशान का काव जो कि आते ही ईशान ने काव का जो पूछ है उसे पता नहीं क्या किया। तो ये है ईशान का काव जो कि ईशान को बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा ईशान को ये पसंद आया और ये ईशान के लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ आप मान सकते हो। सो ये है ईशान का और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट इन सारे सीज़न में।